नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। निहालू कपरिया पंचायत की मुखिया प्रत्याशी बसंती कुमारी ने अपने विरोधी द्वारा उनके विरुद्ध चलाए गए अभियान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोली कि मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर काम किया है, क्षेत्र की जनता इसे बेहतर जानती है। उन्होंने विरोधी पक्षों पर प्रहार करते हुए बोली कि आज जब जनता के फैसले का समय आया तो जनता को भड़काया जा रहा है। 5 साल वो कहाँ थे जब कोरोना का दौर चला, लॉकडाउन के कारण गांव में लोगों को भोजन की कमी होने लगी, बाहर में रहने वाले हमारे भाई और बच्चे वापस आने लगे, तब उनके लिए रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करने के लिए कौन आया? उस वक्त जब मेरे काम पर आरोप लगाने वाले लोग अपने घर में दुबके थे, मैं घर से बाहर अपने परिवार और बच्चों की चिंता छोड़कर अपने गांव की सेवा में लगी थी। उस समय मुझे अपना नहीं, मेरे गांव के माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी की चिंता थी। और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम कोरोना संकट काल में भी उतना ही मेहनत और लगन से काम किए हैं। इसलिए अगर कोई आकर बहकाता है, भड़काता है, तो उसके बहकावे में मत आइए, क्योंकि वह सिर्फ वोट मांगने के लिए आपके पास रहेगा, पर हम हमेशा आपके बीच में रहे हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। आइए देखिए उन्होंने और क्या कहा। जनता का फैसला लेने का समय आ है और उस समय में ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं, उसे ऐसे प्रत्याशी हम दूसरे के जनता के भड़काव में और एक दूसरे के खिलाफ है कि खड़ा होगा। और अगर एक दूसरे के खिलाफ है कि वो खड़ा है हुई से आदमी जनता का विकास कैसे करे? जनता का विकास नहीं करता हो। और वो जो आदमी, जो उम्मीदवार जो खड़ा हो है से प्रत्याशी, अगर एक बार वो पूरा पंचायत के अंदर घूम घूम के कोना कोना देख लेगी तभी वो केकरो अभी खिलाफ में खड़ा होगा। तो एखन हम तोहरे के कहा थियो कि अपन एक कीमती वोट के, वो कीमती वोट के जो अपने पास है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के तर्क वितर्क करके ही उधर में मुहर लगाना है। हम यह कहना चाहती कि हम तो 5 साल जगह दे रहा, 5 साल तोहरे हम तोहरे कर सेवा कर ली और इतना सेवा करते ही है। तोहरे खुद जाना था, देखा था, वो दिखा थे। कोरोना काल रहे, कितना संकट मुसीबत में पूरा दुनिया फैल जाए रहे और बहुत ही स्थिति परिस्थिति में हमारे तरफ मजदूर बन के इतना ज़्यादा परेशानी झेले पड़ला। उस समय हमारे मने तीन रहे अपन छुआ मुद्दा के छोड़ के, उनका चिंता के छोड़ के हम गांव घर कर हमार जनता, भाई बहनी, माता पिता, बूढ़ा बुढ़िया जितना भी छुआ पुता के ना संकट आवे कहीं के हमारे दिन रहे हमारे नहीं दिली और लगली और सबके कोरोना काल से बचाए के रखी। उस समय जो भड़काव जो वक्त कि ये पंचायत के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो और वो जब भड़का थे तो उस समय वो आदमी कहाँ रहे? जब सब आदमी परेशानी से जूझ रहे उस समय वो आदमी कहाँ रहे? 5 साल का कार्यकाल में बहुत से ऐसे हैं कि बहुत चीज के सीखने के लिए टाइम लगेगा हमारे, क्योंकि हमके भी सीखने के लिए टाइम लगला। और जिस समय हम अच्छी तरह से सीखी कि पंचायत का विकास करना है सीखे, और उस समय से स्पेशल किसान के लिए हम इसका ज़्यादा फोकस करवाए और जो जो कमी है मुझे पूरा करे कर वादा हुए इतने कहीं के सबके हम विजय धर्म कर बात के अंत करा थी कि दिमाग में जरूर बैठा के रखबा और एक बार विचार करके। उसी अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।